डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, यू ऑल आर वेलकम टू मिश्रा सर क्लासेस ऑफ इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज ऑफ ICSE सिलेबस एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज एन एंजल इन डिसगाइज। एक्चुअली टू वीडियोज हैव ऑलरेडी बीन मेड ऑन दिस टॉपिक, मीन्स इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, सो दिस इज द थर्ड पार्ट टुडे। The students are advised to go through the first part and second part and then come to this part. This is the third part. So up to here, what we have done, what we have seen here, that when the mother of Maggie died, she was feeling helpless and she was brought by Joe Thompson to his house. Now when she was brought to this house, what is the reaction of his wife, वही हम लोग देखते हैं वाइफ का रिएक्शन क्या है। तो वाइफ के रिएक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट होगा आज थर्ड वीडियो है। आई थिंक वोमेंस हर्ट्स आर समटाइम्स वेरी हार्ड, जो थॉम्सन कहता है, क्योंकि जब वो लेडी यानी जो थॉम्सन की वाइफ देखती है उस बच्चे को, तो उस बच्चे को देख कर बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये एक तरह से उसके लिए अनवांटेड चाइल्ड था, क्योंकि ये बच्चा बीमार था और इस बच्चे को जो थॉम्सन उठा कर ले आया है। तो ये लेडी ये वाइफ का भी गुस्से में है, इसीलिए जो थॉम्सन कहता है कि मुझे लगता है कि वोमेन का दिल कभी कभी बहुत ही हार्ड हो जाता है। सेड जो, यूजुअली जो थॉम्सन गॉट आउट ऑफ हिज वाइफ्स वे और केप्ट रिजिडली साइलेंट एंड नॉन कॉम्पिटिटिव व्हेन शी फायर्ड अप ऑन एनी सब्जेक्ट। अक्सर ये देखा जाता है कि जो थॉम्सन अपने वाइफ के आर्गुमेंट में अपने आप को चुप ही रखता है और हर समय यानी लड़ने के मूड में वो नहीं रहता। इट वॉज विथ सम सरप्राइज देयरफॉर दैट शी नाउ एनकाउंटर्ड फॉर्मली येट काउंटेनेंस एंड रिजोल्यूट पेयर ऑफ आइज। लेकिन अभी जब इस लड़की को लेकर, इस बच्ची को लेकर ये घर आया है, तो आज उसकी आँखों में एक तरह से यानी रिजिडनेस है, रिजोल्यूट पेयर ऑफ आइज उसकी दिखाई दे रही है, यानी एक तरह से वो दृढ़ता है, उसे लग रहा है कि वो कुछ अच्छा काम किया है। उसके इस इल्ज़ाम पर कि जब वो कहता है अपने वाइफ को कि कभी कभी वोमेन का दिल बहुत ही हार्ड हो जाता है, इस जवाब के इल्ज़ाम में ये लेडी कहती है, वोमेन्स हार्ट्स आर नॉट हाफ सो हार्ड एज मैन्स, वोमेन का दिल मैन के दिल से आधा भी हार्ड नहीं होता। जो सॉ बाय क्विक इंट्यूशन दैट इज रिसोल्यूट बियरिंग हैड इम्प्रेस्ड हिज वाइफ एंड ही आंसर्ड क्विकली। जो थॉम्सन देखता है कि उसकी वाइफ इसके नेचर से थोड़ा सा वो इम्प्रेस्ड है, इसीलिए वो क्विकली आंसर देता है एंड विथ हिज रियल इंडिग्नेशन कहता है यहाँ पर बी दैट एज इट मे एवरी वोमेन एट द फ्यूनरल टर्न हर आइज। जब वो देखता है कि उसकी वाइफ अभी थोड़े से यानी उसके मूड में सुधार है, तो वो कहता है कि कंडीशन वहाँ पर ये हुआ कि जब फ्यूनरल में उसकी माँ जाने लगी तो सारे के सारे लोग जो थे वो अपने अपने घर चले गए, इस बीमार बच्चे की तरफ किसी ने नहीं देखा। एंड व्हेन द कार्ट वेंट ऑफ विथ हर डेड मदर, और जब ये कार्ट डेड मदर को लेकर चली गई हरी डबे एंड लेफ्ट रॉयल ऑन दैट हर्ट, तो सब लोग इस लड़की को अकेला ही उस झोपड़ी में छोड़ दिया। विद द सन नॉट एन आवर इन द स्काई, जबकि सूरज आसमान में बस एक घंटे के लिए और बचा हुआ था, यानी शाम होने वाली थी। वेयर वेयर जॉन एंड किटी, तो मिसेस थॉम्सन पूछती है मिस्टर थॉम्सन से कि आखिर जिसका जो बड़ा भाई और उसकी बहन थी जॉन एंड किटी, वो कहाँ गया? तो थॉम्सन जवाब देता है, फार्मर जॉन्स टॉस्ड जॉन इनटू हिज वैगन, फार्मर जॉन्स ने जॉन को अपने वैगन में, अपनी गाड़ी में बैठा लिया एंड ड्रॉप ऑफ, और गाड़ी ड्राइव करके चला गया। केटी वेंट होम विथ मिसेज इलिस, केटी भी मिसेज इलिस के साथ चली गई, मिसेज इलिस उसको ले ली। बट नोबडी वांटेड द पुअर सिक वन, लेकिन ये बेचारी ये गरीब लड़की, इसको गोद लेने वाला कोई भी नहीं था। सेंड हर टू द पुअर हाउस वाज द क्राई, और सबकी एक ही आवाज़ थी, सभी एक ही बात सोच रहा था कि इस लड़की को पुअर हाउस भेज देना चाहिए। तो इसकी वाइफ कहती है, व्हाई डिडंट यू लेट हर गो देन, अगर सबकी यही आवाज़ थी कि इसको पुअर हाउस भेज देना चाहिए, तो तुमने इसको क्यों नहीं भेज दिया? व्हाट डिड यू ब्रिंग हर हेयर फॉर, तुम किस लिए इसको उठाकर यहाँ पर लाए? तो इस पर थॉम्सन कहता है, सी कांट वॉक टू द पुअर हाउस, ये अकेले चलकर तो पुअर हाउस जा नहीं सकती, समबडीज आर्म्स मस्ट कैरी हर, किसी न किसी को तो बाहों का सहारा देना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। एंड माइन आर स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर दैट टास्क, और मेरी बाहें काफ़ी मजबूत है इस बच्चे को यानी वहाँ से उठाकर लाने और
यानी पुअर हाउस तक ले जाने के लिए। तो वाइफ कहती है देन व्हाई डिडंट यू कीप ऑन, अगर तुम इसको पुअर हाउस के लिए उठाकर वहाँ से लाए तो पुअर हाउस जाते ना, इसको घर क्यों लाए, व्हाई डिड यू स्टॉप हेयर, तुम यहाँ पर अगर क्यों रुक गए, डिमांडेड द वाइफ। अब इसका जवाब देता है बिकॉज आई एम नॉट एप्ट टू गो ऑन फुल्स इरेंट्स, क्योंकि कहता है कि मैं मूर्खों की यात्रा पर नहीं जाना चाहता, मैं मूर्ख नहीं हूँ कि मैं इसको सीधा लेकर के और पुअर हाउस में चला जाऊँगा। द गार्जियंस मस्ट फर्स्ट बी सीन, पहले तो बच्चे को जिसको पुअर हाउस में रखा जाता है उसका कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए, तो इसका कोई गार्जियन हमें तलाश करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, तभी इसको रखने का परमिशन मिलता है। देयर वॉज नो गेन सेइंग दिस, इस सब कहने का कोई लाभ नहीं था। ये पूछती है यहाँ पर व्हेन विल यू सी द गार्जियंस, तुम्हें ये गार्जियन कब मिलेगा, तो ये जवाब देता है टुमारो, कल मिलेगा। सो व्हाई पुट इट टिल ऑफ टुमारो, कल क्यों, ये पूछती है कल क्यों, गो एडवांस फॉर द परमिट, अभी जाओ और अभी गार्जियन को खोजो, एंड गेट द होल थिंग ऑफ ऑफ योर हैंड्स टुनाइट, और आज रात होते होते में ये सारा चीज़ निपटा के आओ। अब ये कहता है यहाँ पर, यानी जो थॉम्सन कहता है अपने वाइफ से जेनी, वो इस एन इम्प्रेसिवनेस ऑफ टोन, इसके टोन में एक दृढ़ता थी, एक इम्प्रेसिवनेस था, दैट ग्रेटली सब्ड्यूड हिज वाइफ, और अपनी ऊंची आवाज़ से इसने अपने वाइफ की आवाज़ को दबा दिया, और ये कहने लगा आई रीड इन द बाइबल समटाइम्स, मैं कभी कभी बाइबल भी पढ़ता हूँ, एंड एंड फाइंड मच सेड अबाउट लिटिल चिल्ड्रेन, और बाइबल में छोटे बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। हाउ द सेवियर रिब्यूक्ड द डिसाइपल्स हु वुड नॉट रिसीव देम, एक बार ऐसा देखा गया कि जीसस क्राइस्ट के कुछ शिष्य ने कुछ बच्चों को रोता हुआ छोड़ दिया और उसको तकलीफ में मुसीबत से उसको नहीं छुटकारा दिलाया, तो जब वो लोग जीसस क्राइस्ट के पास आया और उसको उस बच्चे के बारे में बताया तो जीसस क्राइस्ट अपने शिष्य पर बड़े गुस्सा हुए। इसलिए बच्चे को हर समय प्यार करना चाहिए। हाउ ही टुक देम अप इन द आर्म्स, और फिर उसने क्या किया, उसने उस बच्चे को अपने गोद में लिया, उसे ब्लेस किया। एंड हाउ ही सेड दैट हूएवर गेव देम इवन ए कप ऑफ कोल्ड वाटर, और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि यदि किसी बच्चे को कोई आदमी एक कप ठंडा पानी भी पिलाता है तो गॉड उसको बिना इनाम दिए हुए, बिना रिवार्ड दिए हुए कभी नहीं छोड़ता, यानी गॉड उसको इनाम देता है। नॉट इट इज़ ए स्मॉल थिंग फॉर अस टू कीप दिस पुअर मदरलेस लिटिल वन फॉर ए सिंगल नाइट, ये मदरलेस जिसकी माँ मर गई है, एक छोटी सी बच्ची, क्या इसको हम एक रात के लिए अपने घर में नहीं रख सकते, टू बी काइंड टू हेयर फॉर ए सिंगल नाइट, कम से कम एक रात किसको रखने के लिए तुम कम से कम काइंड तो हो जाओ, टू मेक हर लाइफ कम्फर्टेबल फॉर ए सिंगल नाइट, कम से कम एक रात की इसकी ज़िंदगी तो कम्फर्टेबल होनी चाहिए, अगर इसकी एक रात की ज़िंदगी भी कम्फर्टेबल हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। द वॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग रफ मैन सुक, ये जो स्ट्रॉन्ग और रफ मैन था जो थॉम्सन, उसकी आवाज़ एक तरह से हिल रही थी। एंड इट टर्न्ड हिज हेड अवे, इसने अपने शर को दूसरी तरफ मोड़ लिया, सो दैट दी मॉइस्चर इन हिज आइज माइट नॉट बी सीन, क्योंकि इसकी आंखों में आंसू आ गई थी, ये अपना आंसू अपने वाइफ को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए ये अपनी बाहों अपने हेड को दूसरी तरफ मोड़ लिया। मिसेस थॉम्सन ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, बट ए सॉफ्ट फीलिंग क्रिप्ट इन टू हर हर्ट, लेकिन एक सॉफ्ट फीलिंग इसके दिमाग में, इसके दिल में जरूर घुस गया। लुक एट हर काइंडली जेनी, ये कहता है जेनी जरा इस बच्चे पर काइंड बिहेव करना, जरा इसके साथ यानी सॉफ्टली बिहेव करना, शेड जो थिंक ऑफ अ डेड मदर, क्योंकि इसकी माँ मर गई है, इसके मरे हुए माँ के बारे में सोचो, इसके अकेलेपन के बारे में सोचो, इसके दर्द के बारे में सोचो, इसका जो दुख है जो इसकी ज़िंदगी में आने वाली है उस दुख के बारे में सोचो। द सॉफ्टनेस ऑफ हिज हार्ट गेव अनवॉन्टेड एलोक्वेंस टू हिज लिप्स, सो ये जो सॉफ्टनेस थी उसके दिल की, इसके कारण क्या हुआ, एक अननेचुरल एलोक्वेंस आ गया, इसका जो काइंड हार्टेड उसका दिल था जो थॉम्सन का, उसके कारण ही वो इतनी बोलने की कैपेसिटी या बोलने की हिम्मत कर सका। मिसेस थॉम्सन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बट प्रेजेंटली टर्न टुवर्ड्स द लिटिल चैम्बर वेयर हर हस्बैंड हैड डिपॉजिटेड मैगी, बल्कि वहाँ पर क्या किया, ये उस चैम्बर की तरफ चली गई, यानी ऊपर रूम में जहाँ पर उसने जो थॉम्सन ने इस लड़की को रखी हुई है। एंड पुशिंग ओपन द डोर वेंट क्वाइटली इन, और दरवाज़ा खोलकर ये अंदर गई।
जहाँ पर मैगी को रखा गया था। जो डिड नॉट फॉलो, जो इसके साथ नहीं गया। लिसा स्टेट हैड चेंज, लेकिन जो ने यह अनुभव किया कि इसका कंडीशन बदल चुका है एंड फेल्ट दैट इट वुड बी बेस्ट टू लीव हर अलोन विद द चाइल्ड, और ये सोचा कि इसके पीछे जाने से सब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए वो गया नहीं। और वो सोचा कि आखिर कुछ वक्त इसको देना चाहिए जिसके साथ ये इस बच्ची के साथ अकेले वक्त बिता सके। सो ही वेंट टू हिज शॉप, ये इसके बाद ये जो थॉमसन अपने दुकान चला गया, विच स्टूड नियर द हाउस, जो इसके घर के बगल में ही था। एंड वर्कड अनटिल डस्क इवनिंग रिलीज्ड हिम फ्रॉम लेबर, और वहाँ पर तब तक काम करता रहा जब तक कि अंधेरा ना हो जाए, और उसको तभी वहाँ से मुक्ति मिलेगी, रिलीफ होगी जब उसको यानी वहाँ अंधेरा हो जाएगा। ए लाइट शाइनिंग थ्रू द लिटिल चैम्बर विंडोज वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट जॉर्ज अटेंशन ऑन टर्निंग टुवर्ड्स हिज होम, काम से वापस लौटते वक्त जब वो आ रहा था तो सबसे पहली नज़र उसको अपने घर की खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि घर की खिड़की जिसमें जो थॉमसन ने रखा था उसको, उस लड़की को, उस रूम में लाइट जल रही है। ये एक अच्छी निशानी थी, इट वॉज़ ए गुड ओमेन, एक अच्छा साइन था कि लड़की को जिस रूम में रखा गया था, उस बच्ची को वहाँ पर क्या हो रहा था, उस घर में लाइट जल रही थी। द पाथ लेड हिम बाय हिज विंडोज, और रास्ते चलते चलते वो इस खिड़की के पास आया। व्हेन अपोजिट ही कुड नॉट हेल्प पॉजिंग टू लुक इन, लेकिन जब वहाँ आया खिड़की के पास तो आकर वहाँ रुक गया और वह अंदर झांक कर बाहर से देखा। इट वॉज नाउ डार्क एनफ आउटसाइड टू स्क्रीन हिम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, लेकिन तब तक शाम हो गई थी तो अंदर से बाहर वाले व्यक्ति को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति को देख सकता था क्योंकि अंदर में लाइट जल रही थी। मैगी लेटी हुई थी, ए लिटिल रेस्ड ऑन द पिलो, एक थोड़ा सा उठा हुआ जो पिलो था उस पर वो सोई हुई थी। लैंप जल रही थी, उसके चेहरे पर लाइट भी पड़ रही थी। मिसेस थॉमसन उसके बेड के बगल में बैठी हुई थी एंड टॉकिंग टू द चाइल्ड, और उस बच्चे से बात कर रही थी। बट हर बैक वॉज टुवर्ड्स द विंडो, लेकिन उसकी जो बैक थी, उसकी जो पीठ थी, वो विंडो की तरफ थी। शो दैट हर कॉन्टिनेंस वॉज नॉट सीन, इसीलिए जो थॉमसन अपने वाइफ का जो फेस था उसको नहीं देख पा रहा था। फ्रॉम मैगीज फेस, हाँ, लेकिन उसकी मैगी का जो चेहरा था वो उसके सामने पड़ता था, तो मैगी का चेहरा वो देख पाता था। देयर फॉर जो मस्ट रीड द कैरेक्टर ऑफ देयर इंटरकोर्स, तो जो का मैगी का चेहरा देखकर ही वो समझ पा रहा था कि आखिर दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। ही सॉ दैट हर आइज वेयर इंटेंटली फिक्स्ड अपॉन हिज वाइफ, उसने देखा कि उस लड़की की जो आंख है वो यानी मिसेस थॉमसन के ऊपर फिक्स है। एंड नाउ एंड देन ए फ्यू वर्ड्स केम, और बीच बीच में वो कुछ शब्द भी बोल रही है। एज ए पिनांसस फ्रॉम हर लिप्स दैट हर एक्सप्रेशन वॉज सैड एंड टेंडर, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है बहुत ही सैड है, बहुत ही सॉफ्ट है। बट इट सॉ नथिंग ऑफ बीटरनेस और पेन, उसने किसी भी तरह का कोई बीटरनेस यानी कोई करवाहट या किसी तरह का कोई दर्द उसने उसके चेहरे पर नहीं देखी। ए डीप ड्रॉन ब्रीथ वॉज फॉलोड बाई वन ऑफ रिलीफ, तो इसको भी एक तरह से रिलीफ महसूस हुआ कि एज ए वेट लिफ्टेड इटसेल्फ फ्रॉम हिज हर्ट, जैसे कोई बहुत बड़ा भार इसके दिल से उतर गया हो, ऐसा ही उसे महसूस हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। इस वीडियो का जो एक और पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट में इसको करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है इसको हम लोग यहीं पर बंद रखेंगे, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो मुझे लगता है यहाँ तक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।